माय चैनल दैट्स अश्विनी ऑफिशियल ब्लॉग। तो कैसे आप सब, होप सो ठीक होंगे। तो आज है 13 अगस्त और अभी बज रहे शाम के 7, और आज कल है 14 अगस्त। राजस्थानी लोग जो तीज करते हैं वो कल है कजरी तीज। तो कल की तैयारी आज से ही स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि उसमें पहले मेहंदी लगानी होती है और फिर सत्तू बनाना होता है। तो आज हम बनाएंगे सत्तू। तो ये व्लॉग मैं आज रेडी, यानी जो भी तैयारी है कल तीज की उसका बनाऊंगी। तो दो पार्ट्स कर लूंगी क्योंकि बड़ा हो जाएगा वीडियो बहुत। तो आज सिर्फ सत्तू मेहंदी क्या क्या तैयारी की है उसका एक व्लॉग बना दूंगी, और फिर पार्ट टू कर दूंगी जिसमें आपको पूजा और फिर सब आगे की तैयारी दिखेगी। तो चलो स्टार्ट करते आज का व्लॉग। तो आज फर्स्ट बनाएंगे हम सत्तू, क्योंकि इस उपवास में जरूर सबसे जो मेन है वो सत्तू है। तो आप बेसन का बना सकते हो, गेहूं के आटे का भी बना सकते हो। हमेशा गेहूं के आटे का बनाते हो और वो सत्तू बहुत सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मैं जहाँ काम करती हूँ उन लोगों को वो लड्डू इतने अच्छे लगते हैं कि एक देंगे तो बोलेंगे और एक दे, और उन लोग वेट करते कि कब तू बनाएगी और कब हम वो खाएंगे। तो उन लोगों को ना ये दिन का बहुत ज़्यादा वेट रहता है कि आज तो हमको सत्तू के लड्डू मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत जल्दी भी बन जाएगी। तो फटाफट से दिखाती हूँ मैं आपको कैसे बनते हैं सत्तू के लड्डू। तो चलिए स्टार्ट। तो हमें पहले घी और गेहूं के आटे की जरूरत है। तो यहाँ कटोरी गेहूं का आटा लिया है। तो अभी हमें इसे स्लो गैस पे बहुत टाइम तक भूनना है, जैसे 10 से 15 मिनट तक तो हमें इसे भूनना होगा। इसे मैं देखिए इसके जैसे घी की ना थोड़ी गुठलियां बन जाती है, तो उसे बहुत अच्छे से स्लो स्लो मिक्स करके। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि घी की ज्यादा जरूरत है तो और घी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है थोड़ा बहुत, तो उतना उसका टेस्ट बढ़िया आएगा। क्योंकि नहीं तो क्या होगा ना, आपको आटे का कच्चा कच्चा जैसे लगेगा, गेहूं का आटा कच्चा कैसे खाते हैं वैसा टेस्ट आएगा। इसलिए जितना भूज सकते हैं आप उसको भूजिए अच्छे से। तो अभी उसे भूजते भूजते मुझे एक 10 मिनट हो चुके हैं, तो और 5 मिनट तक मैं अभी ना उसमें से एक अच्छा सा स्मेल आने लगे घी का, और अच्छा स्मेल आ रहा है तो आपको पता चलेगा कि हाँ उसका कच्चापन निकलते जा रहा है। तो बस और 5 मिनट तक उसको भूजूंगी, फिर दिखाती हूँ आगे क्या प्रोसेस कर। तो ये देखिए ये पूरा 15 से 20 मिनट मैंने अच्छे से भूज लिया और इसका कलर पूरा चेंज हो गया है। तो अब इसे हम क्या करेंगे, एक थाली या परात में निकाल लेंगे इसे। तो इसे मैंने परात में निकाल लिया है। अब इसे ना रूम टेम्परेचर पे 1 से 2 घंटे तक हम ऐसे ही छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। तो इसे पहले थोड़ा ठंडा होने देते हैं और फिर बाद में इसको कॉटन के कपड़े से ढक के रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। अगर आपको जल्दी है तो एक आधा घंटा इसे छोड़ दीजिए ठंडा होने के लिए, और उसके बाद आप फिर इसके लड्डू बना सकते हो। तो मेरे पास फिलहाल टाइम है तो मैं इसे 1 से 2 घंटा कॉटन के कपड़े से ढक के रख लूंगी। तो ये देखिए कॉटन के कपड़े से मैं इसे ऐसे ढक लूंगी। 3 कटोरी जो आटा लिया था उसमें हम लोग 1.5 कटोरी बूरा लेंगे, या फिर आप पीसी हुई शक्कर ले सकते हो। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बूरे को अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। बूरा हमने पूरा अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी घी मिक्स करेंगे, यानी ये आपको अंदाज से लेना होगा। जब आपको आटा ऐसा लगेगा कि इससे लड्डू बन रहे तब आपको घी डालना बंद कर देना। तो अभी ये घी इतना डाल दिया है कि देखो इससे लड्डू बन रहे। अगर आपको लग रहा है कि इससे लड्डू नहीं बन रहे तो थोड़ा घी और डाल के आप उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो अब ये देखिए अब लड्डू बना लिए। देखिए इतने ही लड्डू बने हैं 3 कटोरी आटे में। तो ये लड्डू रेडी हो गए हैं। तो बच्चों के लड्डू शाम को पूजा में चढ़ते हैं। पार्टी की है।
अगर तसा का है मोर है क्या? आजा आजा चल चल। देखिए कैसी लगाई इन्होंने मेहंदी, बहुत अच्छी लगाई है, बहुत मुश्किल से लगाई है और बहुत त्रास देके लगाई है। तो बस कंप्लीट हो गया, रात के 12:30 बज रहे, फिर से सुबह 4-4:30 बजे तक उठ के खाना खाना है। तो मिलते हैं आपको सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो अभी बज रहे सुबह के 4:30। इस व्रत में सुबह उठ के हमें खाना खाना होता है, 5:30 के पहले खाना खा लेना होता है। तो ये देखिए रात को 12 बजे तक मेहंदी लगाई है, पर पता नहीं उसका कलर उतना अच्छा नहीं आया है, बाद में देखेंगे कलर चढ़ता है या नहीं चढ़ता है, तो देखते हैं। तो चलो जल्दी से खा लेते हैं क्योंकि सुबह सुबह इतनी भूख तो नहीं। देखो ऐसे त्यौहार वगैरह होता है तभी मुझे कुछ तो कुछ फूडी वगैरह आ ही जाती है। तो जल्दी से खाना खा लेते हैं, भूख नहीं है, नींद बहुत आ रहा है, तो अभी 1-2 रोटी तो ज़रूरी है खाना, तो खा लेते हैं फटाफट से। सब सोए हैं इसलिए स्लो स्लो बात करूँगी। तो ये रात की सब्जी रोटी है और ये थोड़ा सा स्वीट ले लिया है मैंने, तो देखते हैं 2 रोटी खा सकती या नहीं, नहीं तो 1 ही खा लूँगी और पानी है बस। इतना खा के फट जल्दी जल्दी सो जाऊँगी फिर से।